जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट 2 का कंटिन्यूटी है और हमारी क्लिप यहाँ पे वाइंड अप हो गई थी, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का, ये आपको फॉर्मूला पता है, आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। इससे ये आपके लिए नया नहीं है, आपने ग्रेड 7-8 पढ़ा हुआ है। फिर मैंने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को इकट्ठा लिख दिया, ये ब्रैकेट डालना जरूरी नहीं है, ठीक है, और 2 ऑफ बीटा मैंने यहाँ लिखा है और ये वही है। अगर आप देखें तो क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ मौजूद नहीं है आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद है 2 के, तो ये मैंने इसको उठाकर ब्रैकेट के अंदर 2 के लिख दिया। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये देखिए 6 मौजूद है, मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है ये देखिए 2k+1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ जाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इनके आने के, और ये मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ को सॉल्व करना है, तो ये स्क्वायर 2 का है, स्क्वायर k का है, और 6 और 2 2s are 4, 2 1s are 2, और फिर आप देखिए सबको मैंने उधर शिफ्ट किया, तो ये प्लस 4k वहां क्या बन गया, माइनस 4k, और 6 प्लस 2 8 यहाँ पे है, जब वहां जाएगा तो माइनस 8। अगर आप इसको डिवाइड बाय 4 ना भी करें, डिवाइड बाय 4, तो तब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी कर ली, 4 से डिवाइड किया कैंसिल, 4 से डिवाइड कैंसिल, यहाँ 2। अब ये आपका मिडिल टर्म ब्रेक है, फैक्टराइजेशन की हमने, और देखें ये हमारा स्टेप है, इसको देखा माइनस 2 प्लस 1k, और अल्टीमेटली हमारे 2 आंसर निकले। यहाँ तक आइडिया मिल गया आपको, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और क्लिप ये माय सेकंड पार्ट है इसका, एक मिसिंग होगी पहली वाली, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट जो है वो आपने खुद ही करना है, आसान है इंशाल्लाह, वो आप आराम से कर लेंगे। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहा हूँ, वो पार्ट है, ऐसे कर लेते हैं पार्ट 2 कर लेते हैं, पार्ट 1 ईजी है, और क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। वो ये कहता है कि इसके रूट्स का डिफरेंस 2 है, ठीक है, सो रूट्स द डिफरेंस ऑफ रूट्स इज क्या है, 2 है। अच्छा, इंग्लिश में ये स्टेटमेंट है, उर्दू में स्टेटमेंट क्या है इसकी है कि इसके जो रूट्स हैं उनका जो फर्क है, जो डिफरेंस कहते हैं फर्क है, वो कितना, वो 2 है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, हस्बे आदत हम क्या करेंगे, हमें इसके रूट्स का बिल्कुल पता नहीं, तो जब नहीं पता तो हम क्या सपोज कर लेते, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा, तो लिखते हैं कि लेफ्ट अल्फा बीटा आर रूट्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपको आता है वो है माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट जो भी लिखा है वो ऊपर लिख लें, और एक्स को जो भी नीचे लिखा है नीचे लिख लें, तो ये हमारा आंसर माइनस 3 आ गया। यहां पे क्या लिखूंगा, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट डालता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कहते हैं जरब को, ठीक है, इनको जरब करने से क्या आएगा देखिए, तो यहां पे उसका फॉर्मूला आपको क्या है पता है आपको, कि कांस्टेंट यानी नेगेटिव 2 ऊपर रखिए और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नीचे रखिए ऐसे, और यहां पे क्या आएगा, अल्फा टाइम्स टू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमारी रेडी हो गई हैं, अब हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ये लिखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, बहुत से वर्ड्स हैं, कोई मसला नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन लिख दें ऐसे भी ठीक है, जिस तरह आपको सूट करें ठीक है। तो उसने बोला है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स 2 है, इसका मतलब हुआ इन दोनों का फर्क जो है वो 2 है, तो डिफरेंस, बिकॉज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 है, डिफरेंस इज इक्वल टू 2 है, तो हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। ये मेरी क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, इसका नाम मैं रखता हूं 3। अब हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि हमें पी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, हमारे पास टारगेट ये है कि हम इन दो इक्वेशंस को, यहां से एक मिसिंग हुई है प्रोडक्ट के अंदर देखा जाए तो ये जो चीज पूरी है ये है कांस्टेंट, यानी पी भी सामने शामिल करना पड़ेगा, तो मुझसे मिसिंग हुई है, यहां मैं लिखने जा रहा हूं पी माइनस 2। अब ये ठीक है, पहले ये गलती थी, अब कवर हो गई है, तो लिहाजा हमारा टारगेट है वो पी निकालना है। तो ऐसे करते हैं कि इस इक्वेशन को
इस क्वेश्चन से साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कैसे करते हैं। मैं कह रहा हूं 1 + 2, जब मैंने इसको ऊपर रखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 3, और इसको नीचे रखा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2। तो अब इसको हम जस्ट सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल यहां से हो रहा है, ठीक है? और जी ये कैंसिल हो रहा है, तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1। थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक ना हो, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में बिल्कुल जी क्वेश्चन करेक्ट है, सही है। तो फॉर्मूले के मुताबिक प्लस 1 यहां से आ गया, और ठीक है अब हम यहां से अल्फा देखते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा की वैल्यू -1/2 है, इसको यहां छोड़ देते हैं। जिस तरह मैंने दोनों को सम किया है इसी तरह मैं दोनों को माइनस करता हूं, तो 1 - 2। तो जब मैंने 1 - 2 किया देखते हैं क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3, यहां से अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। जब मैं माइनस करने को कह रहा हूं इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो प्लस का साइन है वो माइनस, और माइनस का साइन है प्लस, यहां प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, सारे साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो अब अल्फा कैंसिल हो गए, यहां से आपको आंसर मिला 2 बीटा, यहां से आंसर आपका -5 आ गया, ठीक है? और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -5/2। अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है। अब हमें क्या करना, दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे यहां पर, ठीक है? तो मैं लिखने जा रहा हूं पुट इन 2, और ये हमारा लास्ट स्टेप है। अल्फा की वैल्यू -1/2 लिखी मैंने, और बीटा की वैल्यू -5/2 लिखी मैंने, इज इक्वल टू p - 2 है। माइनस माइनस प्लस होता है, 5/4 आ गया, इस 2 को इधर ले जाएं तो इज इक्वल टू 2p, और ये मेरा लास्ट स्टेप है। 4 × 2 = 8 + 5 = 13, सो 13/4 हमारा आंसर है। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो देख लेते हैं 2.3 का क्वेश्चन था ये, 2.3 का, और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 पार्ट 2 है। जी बिल्कुल ठीक है, और ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हमने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया, तो 4 का पार्ट 2, 2 पार्ट मुकम्मल किए हमने। अब देखते हैं इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन बच गए हैं, 5 नंबर और 6 नंबर, इंशाल्लाह हम दोनों को एक क्लिप में करने की कोशिश करेंगे, इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में।